अब जाके रेशन लेके आए हम, रेशन मतलब किराने सामान लेके आए हूँ। तो बारिश यहाँ पे आज हो रही है थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी। दोपहर में इतनी धूप थी आप नहीं मानोगे, उतनी ज़्यादा धूप थी, कोई भी नहीं बोलेगा कि ये बारिश का महीना है, तो इतनी धूप थी। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सा बारिश आ रहा है, इसके वजह से मैं यहाँ पे चाय भी रखी हूँ। यहाँ पे अच्छी वाली अदरक डाल के चाय बना रही हूँ, खड़क वाली मस्त। चाय पीने के बाद थोड़ा सा जोश आएगा, उसके बाद में व्लॉग कंटिन्यू करूंगी। जो जो मैं रेशन लाई हूँ वो दिखाऊंगी। आज का व्लॉग ग्रोसरी के ऊपर ही रहेगा, और देखेंगे इंशाल्लाह मौका मिला तो कंटिन्यू घर का व्लॉग बनाते जाऊंगी। अभी इसके बाद में ऐसा सोच रही हूँ बनाऊंगी। वैसे भी बहुत ज़्यादा ये नेट बहुत महंगा हो गया है ना, इसके वजह से ना व्लॉग मेरा रहता है 5 से 6 7 8 मिनट का, उसके लिए बहुत ज़्यादा MB जा रही है। तो इसके वजह से भी वो देखने वाले कम लोग हैं, हमारा नेट ज़्यादा जाता है, इसके वजह से भी मन ये होता है। लेकिन मेहनत करने में कुछ नहीं जाता, मेहनत करूँगी। तो एक चावल पैकेट लेके आए हैं, मेन चावल ख़त्म हो गया था हमारा आज। तो घर में रेशन थोड़ा सा रहता है ना, तभी जाके ही रेशन लाना अच्छा रहता है। मेरा तो आज चावल पूरा ही ख़त्म हो गया था। तो ऐसा है, तो बने रहना, पहले चाय पियेंगे, उसके बाद कंटिन्यू आपसे मिलूंगी। और दोपहर में बनाई थी मैं बिरयानी, हो सका तो उसकी भी रेसिपी बना सकती थी, मगर क्या करो, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद मिलूंगी, चाय वगैरह पीने के बाद। तो जी फ्रेंड, ये है मेरा मंथली ग्रोसरी। तो ये पूरी बड़ी थैली भर के लेके आई हूँ, और दो एक्स्ट्रा था और दूध पैकेट भी थे। तो ये है चावल, चावल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो इसमें तेल कमी है। तेल क्योंकि पहले से ही मैं ला के रखी थी, तो तेल है हमारे घर में। तो यह है तेल, तो चलो शुरुआत करती हूँ। क्या क्या चीज़ लाई हूँ वो दिखाऊंगी, और ऐसे बने रहना। तो जी मैंने यहाँ पे रेशन पूरा डाल के रखा है। तो सबसे पहले तो चावल, चावल तो दिखा चुकी थी, चावल देखेंगे खोल के कैसा है। इस बार दूसरा लेके आई हूँ, तो भी दूसरा लाए तो भी 1400 रुपये का ये पैकेट पड़ा। तो ये आटा है, गेहूं का आटा, वैसे भी गेहूं का आटा है मेरे पास, ये तब तक फोड़ूंगी नहीं जब तक वो खाली नहीं होगा। इसमें ये है ना मैदे का आटा मिक्स करूंगी तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर है पुटानी, और यहाँ पर है रवा, 1 kg रवा लाई थी मैं, 1 kg रवा, और 2 नमक पैकेट, और ये है चने की दाल, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है तो भज्जी बनाने के लिए अच्छा होता है। तो ये है चापत्ता, और यहाँ पर है पोहा, और ये है बिस्किट पैकेट आहिल के लिए, और ये है गरम मसाला, और ये है 2 kg शक्कर। 2 kg शक्कर मुझे नहीं लगती थी, मगर आहिल का भी बर्थडे आने वाला है तो कुछ लोग आएंगे तब वो चाहिए, इसके वजह से मैं 2 kg शक्कर लेके आई हूँ। और नंबर वन, और आहिल के लिए ये कस्टर्ड पाउडर लेके आई हूँ, क्योंकि ख़त्म हो चुका था, बहुत दिन हो गए, महीने बीत गए, मैं कस्टर्ड नहीं बनाई, तो स्कूल से आते ही कुछ खा के गया तो अच्छा रहता है, तो कस्टर्ड लेके आई मैं। और ये है मुझे काल के जी में का आधा जीरा चाहिए था, लेकिन वो काल के जी जीरा दिया है, तो वो काल के जी जीरा। तो ये है लिक्विड, गुड नाइट लिक्विड, और अभी शाम में जो भूख लगती है छोटी सी, इसके लिए 4 मैगी पैकेट, और एक हल्दी, और ये शैम्पू, ये शैम्पू मैं है ना छोड़ दी थी लगाने के लिए, बोलूँगी अभी इसके बाद बैक कैमरे से। तो मशीन है मेरे घर में, फिर भी ये हाथ से मैं थोड़े बहुत उजले कपड़े धोती हूँ उसके वजह से। और कंफर्ट मुझे ये बेटर लगता है बॉटल के अलावा। तो एक विमल तो जी यही था मेरी ग्रोसरी। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, बॉटल के हिसाब से मुझे ये वाले पोंच ही करेक्ट लगते हैं, क्योंकि एक एक बार थोड़े कपड़े रहते हैं, एक एक बार ज़्यादा कपड़े रहते हैं, तो इसका कम रहे तो कपड़े है ना मैं आधी पैकेट डाल देती हूँ, ऐसा रहता है, तो मुझे ये अच्छे लगता है इसके वजह से। और हाँ, मैं शैम्पू की बात कर रही थी ना, मैं है ना ये शैम्पू ही लगाती हूँ, लगाने लग के 3 4 साल हो गया, तो ये शैम्पू बहुत अच्छा आता है, मतलब बाल आते हैं इससे, ना कि नहीं झड़ते। बीच में हम है ना छोड़ दिए थे, आहिल के पापा एक बार रेशन लाने के लिए गए थे, वो है ना जाके कार्तिका लाने के बदले ब्लैक शैम्पू लेके आए, कौन सा चिक शैम्पू होगा शायद, वो शैम्पू लेके आए। सच में वो शैम्पू लगाने से बहुत ज़्यादा बाल भी झड़ते हैं, और प्लस वाइट भी होने लगते हैं बाल, मुझे पता नहीं सबका क्या रीज़न है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा वो। तो इस बार वैसे भी रेशन है ना हमारे घर में, वो जाए या मैं जाए ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में, कोई भी जाके ला सकता है, ऐसी फ्रीडम मुझे है, वो एक अच्छा है माशाल्लाह। तो वैसे भी खास करके मैं ही जाती हूँ रेशन लाने के लिए, क्योंकि इनको ज़्यादा समझता नहीं है,
मतलब एक बोले तो एक छोड़ के आते हैं, फिर घर को आने के बाद डांट पड़ती है अलग से, ऐसा होता है। इसके वजह से मैं और वो मिल के ही जाते हैं। आज उनकी नाइट ड्यूटी थी तो आहिल को लेके गई थी मैं, तो ये सब गाड़ी में रख देते हैं। माशाल्लाह मुझे स्कूटी चलाने आती है, वो भी एक अच्छा है। ये सब है ना, वहाँ के लड़के लोग जो दुकान के लड़के लोग रहते हैं ना, वो सब डिक्की में रख इसमें रख देते हैं गाड़ी में, तो ऐसा कुछ ले वज़न लेके आना नहीं पड़ता मुझे, तो इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा आता जाती हूँ मैं। अगर गाड़ी नहीं रहती तो बहुत प्रॉब्लम होती। वैसे भी घर के ऐसे छोटे मोटे काम लेडीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि आदमी लोग भी बाहर जाके काम करके आते हैं ना, तो सभी का पता नहीं, लेकिन मेरे घर में ऐसी फ्रीडम है कि मैं जाके रेशन तरकारी वगैरह लेकर आ सकती हूँ। इतनी तो फ्रीडम मुझे है माशाल्लाह। तो जाके मैं लेके आई तो मुझे पता रहता है कौन सी चीज़ कितनी महंगी है और कौन सी चीज़ को मैं कितना यूज़ कर सकती हूँ कितना नहीं, ऐसा मुझे इसके बारे में आइडिया रहता है। तो मैं जाती हूँ, हर बार मैं जाती हूँ, नहीं तो आहिल के पापा के साथ तो जाती हूँ। ऐसा है, मुझे लेके ही जाते हैं वो, क्योंकि उनको पता नहीं चलता, ऐसा है। तो देख लीजिए, इतना सारा रेशन करके आई मैं। ये रेशन है लगभग 3,500 रुपये का, इसमें तेल छोड़ के, तेल के बिना। तेल अगर लेने गई तो 5,000 का रेशन हो जाता है महीने को, हम ना हो जाता है, तो ऐसा रहता है। तो देख लीजिए, यही है मेरा आज का ग्रोसरी हॉल, और यही था आज का मेरा व्लॉग भी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मैं कंटिन्यू व्लॉग बनाना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं व्लॉग बनाऊँगी। आपके कमेंट का मुझे ये रहता है, अगर मुझे आपके कमेंट आएंगे तो डेली डेली व्लॉग बनाओ तो मैं बनाऊँगी। क्योंकि बहुत जन पूछते हैं मुझे, क्यों नहीं व्लॉग बना रही, व्लॉग छोड़ दी क्या बनाना। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ी हूँ, मगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी वाली ही प्रॉब्लम चल रही है, इसके वजह से ना मैं छोड़ी थी। थोड़ा दिमाग से भी शांत रहना चाहिए ना, वो ऐसा चल रहा था इसके वजह से, और आहिल के वजह से भी। आहिल थोड़ा पढ़ाई में पीछे लग रहा था, उसकी वजह से उसको भी पढ़ाई में फोकस देना पड़ता है हमें। तो अभी 5वीं क्लास का बच्चा है, तो थोड़ा सा कन्नड़ा और हिंदी में वीक है वो। वीक मतलब हम कन्नड़ा में बात नहीं करते उसके साथ, है ना, तो कन्नड़ा वो उसे जल्दी समझ में नहीं आता, इसके वजह से है ना थोड़ा कन्नड़ा हिंदी में वीक था। इसके वजह से इस बार अच्छे वाला ट्यूशन को भी डाले हैं, तो माशाल्लाह वो अच्छे से रिकवरी कर रहे हैं, और हम भी प्लस घर में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके उसे लेके, तो इस बार अच्छा है, देखेंगे। इस बार एग्ज़ाम में अच्छा लिखा बोला है, अच्छा लिखा होगा वो, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर ही अच्छे से वो क्वेश्चन आंसर को याद करके लिखा के दिखा रहा था मुझे। माशाल्लाह बहुत अच्छा दिमाग है, मगर वो यूज़ नहीं करता ऐसा है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब देखो मेरे तो कंप्लीट हुए हैं, सब्सक्राइब की तो मैं ये नहीं पूछूंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। आप अगर मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, तो मैं आगे बढ़ूंगी, है ना, तो ऐसा रहता है। तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताना मैं आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। तो आपको डेली डेली मेरे ब्लॉग चाहिए तो, रेसिपी के हो या कहीं के भी हो, तो ब्लॉग चाहिए तो मुझे बताना, मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।